हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि गिरते हुए मार्केट में हमें कौन से स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए जिससे हमें आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सके। छोटा मोटा नहीं दोस्तों, बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सके। और हालांकि दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों अगर और भी गिरता है मार्केट तो वो शेयर को कोई दिक्कत नहीं होने वाला जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टॉक मैं आप लोगों के सामने बोल दे रहा हूँ दोस्तों, आज के डेट में जो है सेंसेक्स 2000 पॉइंट गिरा है। अगर कल को भी अगर 2000 पॉइंट गिर जाएगा तो दोस्तों यूपीएल जैसी कंपनी को कुछ नहीं हो पाएगा, मैं आपको बोल देता हूँ दोस्तों, ठीक है। यूपीएल कंपनी को देखिए दोस्तों, मार्केट तो बहुत दिनों से गिर रहा है, इसका चार्ट आप देख लो तो देख लो दोस्तों, ये चार्ट जो है यहाँ पर डबल बॉटम बना दिया दोस्तों। ये जो प्राइस है ना, यहाँ पर जो बाउंस बैक आएगा भाई दोबारा हाथ में नहीं आने वाला, समझ लो। पैसा आपका मर्जी, आपका आप जो भी करना है वो आपका है, लेकिन बता देना हमारा काम है भाई, ठीक है। तो ये देख लो, ये जो स्टॉक है यूपीएल नाम की स्टॉक है दोस्तों, ये आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट देने वाला है, सोच लो, ठीक है। और ये मैं आपको एक साल का डेटा आपके सामने लगाता हूँ, ठीक है, एक साल का डेटा, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे समझाने के लिए, ठीक है ना। ये रहा दोस्तों आपके सामने चार्ट, ठीक है। यहाँ पर देख लो दोस्तों, इतना बड़ा सपोर्ट लेवल बनाया है दोस्तों यूपीएल ने, इतना बड़ा सपोर्ट लेवल बनाया है कि दोस्तों इसको तोड़ना मुश्किल हो जा रहा, इसको यहाँ पर देख लीजिए तोड़ना मुश्किल हो जा रहा। फर्स्ट टाइम देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये जो लाइन, एक मिनट, अरे भाई शांत हो जा, ये देख लीजिए, ये जो फर्स्ट टाइम जो इसने मारा था दोस्तों, ये 500 के लेवल तोड़ा था, ठीक है। 500 के लेवल में आया था लेकिन 500 से नीचे नहीं गया था, ठीक है, 500 से नीचे नहीं गया। और इसका जो रियल प्राइस है दोस्तों, यहाँ से जो गिरावट ये दिख रहा है ना, ये बोनस दिया था इसलिए गिरा था, ठीक है। ये कोई गिरावट नहीं हुआ था, नॉर्मल गिरावट नहीं हुआ था दोस्तों, कोई मतलब कि न्यूज़ आने से या मार्केट गिरने से ये गिरावट नहीं हुआ था। ये जो पहला वाला गिरावट दिख रहा है दोस्तों, ये इसने जो है बोनस दिया था, बोनस अनाउंसमेंट किया था और दिया था, इसके वजह से ये थोड़ा बहुत गिरावट आया था, ठीक है। उसके बाद से ये स्टॉक देखिए फिर से यहाँ से गया था कहाँ तक, 620 तक। फिर से दोस्तों ये दूसरी बार जब ये यहां पर आया तो फिर से वही लेवल पे 520, मतलब 500 पे। तीसरी बार जब आया तो दोस्तों 500 के लेवल पे, जब चौथी बार आया तो भी 500 के लेवल पे। और भाई ये आपको इतने नीचे प्राइस पे मिल रहा है, केमिकल सेक्टर का ये बहुत अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से, ठीक है। और आपका पैसा है तो भाई प्रॉफिट मिलेगा तो किसको, आपको मिलेगा ना, तो आपको भी सोच के पैसा लगाना, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक में इस टाइम में खरीदारी कर सकते हैं, इसके प्राइस पर अगर आप खरीदते हो तो थोड़ा बहुत, अगर निफ्टी कल को अगर फिर से 2000 गिर जाता है, निफ्टी नहीं सॉरी सेंसेक्स, ठीक है, अगर कल को फिर से 2000 पॉइंट गिर जाता है, क्योंकि आज के डेट में तो देख लो 2000 पॉइंट गिरा है दोस्तों, 2300 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ था, 6% के आसपास, ठीक है, सेंसेक्स। और निफ्टी तो दोस्तों 500, ये तो 700 के लेवल को भी तोड़ दिया था, 700 पॉइंट तक ये गिर चुका था, 5 या 6% की इसमें भी गिरावट थी। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आप लोगों के सामने लाने का कोशिश किया हूँ जिसमें आपका अच्छा से अच्छा प्रॉफिट बने, ठीक है, यूपीएल। और दूसरा ये स्टॉक है दोस्तों जेके सीमेंट। तो मैं आपको स्टॉक बताऊंगा, लेकिन समझाने के लिए इससे भी पावरफुल स्टॉक लाया हूँ आपके सामने, रिलायंस इंडस्ट्री। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको रिलायंस खरीदना है भाई, चाहे जो भी हो, शेर शेर होता है, लेकिन हमें शेर देखिए जंगल में सबसे ताकतवर कौन होता है, शेर। लेकिन क्या हम उसको पेट बना के अपने घर में पालते हैं, शेर को नहीं पालते हैं। पालते हैं तो क्या पालते हैं, खरगोश को पालते हैं, जो सबसे कमज़ोर है और सबसे मतलब स्लोली है कि नहीं, स्लो मोशन वाला रहता है, जो छोटे छोटे जानवर पालते हैं। क्यों, उसी तरह शेयर मार्केट में भी हमें वही काम करना है, जो शेर है उसको अपने घर में बैठा के नहीं रखना है, किस दिन आपको लपक लेगा या किसी बगल वाले को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री को आपको नहीं खरीदना है, मेरे हिसाब से आपको खरीदना है JK सीमेंट को। याद है लास्ट टाइम मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हो, लास्ट टाइम याद है मैंने आपको दिया था JK लक्ष्मी सीमेंट, 260 के प्राइस पे दिया था और 395 रुपीज़ तक गया था, वहाँ पर कितना बड़ा आपको प्रॉफिट हुआ था नोट कीजिए, 260 रुपीज़ के प्राइस में दिया था बाय करने के लिए, और 390 मतलब 400 के लेवल पे चला गया था, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था। और इस टाइम मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों JK सीमेंट जैसा स्टॉक आज के डेट में 2000 सेंसेक्स गिरा है, 600 निफ्टी गिरा है, लेकिन जेके सीमेंट को हिलाने वाला दोस्तों कोई भी नहीं है, ठीक है। तो गिरते हुए मार्केट में भी किसको खरीदना है, जेके सीमेंट को खरीदना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे पहले चार्ट में आप लोगों के सामने लाता हूँ, ये देखिए आपके सामने लगा दिया मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का, ठीक है, जो शेयर मार्केट का शेयर है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ताकतवर ऐसा ही शेयर को बोलते हैं हम, ठीक है ना। ये दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री का हाईएस्ट क्या है देख लेते हैं भाई,
रिलायंस इंडस्ट्री का हाईएस्ट है 1600 का, ठीक है, 1600 का हाईएस्ट है, और ये गिर के कहाँ पर आ चुका है दोस्तों, 1100 में आ चुका है। गिरावट कितने पॉइंट का हुआ, 500 पॉइंट का गिरावट हुआ, ठीक है, 500 पॉइंट का गिरावट हुआ। लेकिन अब चेक कर लेते हैं दोस्तों हम जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके सीमेंट का, ठीक है, जेके सीमेंट का। अब ये रहा दोस्तों आपके सामने जेके सीमेंट का, ठीक है, इसने हाईएस्ट कितना मारा था दोस्तों, 1500 का ये भी मारा था, ठीक है। गिरावट का, गिरावट का हुआ दोस्तों 1300 में। तो ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों, रिलायंस जब 500 पॉइंट गिर सकता है, लेकिन इसमें गिरावट कितना हुआ, केवल 200 पॉइंट, केवल 200 रुपये की गिरावट है। और मैं बोल रहा हूँ ये स्टॉक आपको इतना प्रॉफिट दे देगा ना, इतना प्रॉफिट दे देगा ना, रिलायंस तो फेल है उसका बात ही छोड़ो यार, जरूरी नहीं है कि जो टॉप में है वही प्रॉफिट देगा बार बार, ठीक है। ऐसे स्टॉक भी हैं जो उनसे भी अच्छे हैं, बस आपको ढूंढना है कैसे। हमारे क्या बोलते हैं यार, राकेश झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला ने कैसे 2 रुपये का स्टॉक ढूंढा था, कौन सा कंपनी था वो, टाइटन कंपनी था, 2 रुपये, और बेचा कितने में उन्होंने, 2000 के आसपास। तो ऐसी भी कंपनी है जो रिलायंस से अच्छा है, बस आपको ढूंढना है। बोलते हैं ना कि ढूंढने में तो भगवान भी मिल जाते हैं, बस ढूंढना है भाई, ढूंढना है, ठीक है। तो ये स्टॉक है भाई जो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दे सकता है। जेके सीमेंट कौन से प्राइस में है अभी देख लो, यहाँ पर 1319 रुपये का प्राइस है, ठीक है, 1319 रुपीज़ है, ठीक है भाई। इस प्राइस पर आप दम भर जितना हो सके भाई खरीदो, चाहे जो भी हो, ठीक है ना। इसका सपोर्ट लेवल बहुत ही अच्छा है, और भाई थोड़ा बहुत और गिर गया तो बस। देखिए मार्केट 2000, देखिए मार्केट कितने दिनों से गिर रहा है, इतना ज़्यादा गिर रहा है, मार्केट ओपन ही हुआ होता 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, निफ्टी नीचे, सेंसेक्स 1000 पॉइंट नीचे, लेकिन ये स्टॉक का क्या बिगाड़ लिया, नॉर्मल गिरावट है ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नॉर्मल गिरावट है, ये बेचारा खुद से ही गिर जाता है इतना, मतलब ये खुद से ही गिर जाता है। दिखा देता हूँ यहाँ पर, देख लीजिए भाई, रुक जा, हाँ यहाँ पर देखिए 1076 का इसने हाईएस्ट मारा था, लोएस्ट कितना मारा था 900 का, ठीक है। तो ये तो खुद से गिर जा रहा है जितना मार्केट ने गिरा रहा। और एक बार देखिए इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई थी, कब आई थी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 साल का चार्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, 5 साल का, हाँ ये देखिए, ये दोस्तों 1200 तक गया था, 1200 तक जाने के बाद ये 700 तक आया था, ठीक है। तो ये जगह में ये बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ था, ठीक है, इसका जो रीजनेबल गिरावट था दोस्तों, ठीक ना, रीजनेबल और रीजनेबल गिरावट था। और ये जो हो रहा है दोस्तों ये सीजनल इफेक्ट है, ठीक है, ये मार्केट के कारण मतलब जो हो रहा है उसके सपोर्ट से गिर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो लंबी गिरावट इसने तय किया था इसके पीछे वजह था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा से अच्छा जो है रिटर्न निकालने वाला, ठीक है। तो ये है जेके सीमेंट। और तीसरा जो स्टॉक है दोस्तों, तीसरा स्टॉक है कोटक बैंक। प्लीज मैं चाहता हूं कि कोटक बैंक के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, ताकि समझाने में आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम दूं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाना तो लाइक जरूर कीजिएगा, और भाई कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लेजी हैं लाइक करने में, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी रहने दो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बाकी 2 स्टॉक पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है।